इंटरनेट फेसबुक वगैरह पे शाजिर की किसी से दोस्ती हो गई है, किसी लड़की से, अब वो चाहता है कि मैं रिश्ता लेकर जाऊं। तो चली जाओ, इसमें हर्ज क्या है, अगर कहीं ना कहीं उसने शादी करनी तो है। लेकिन पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसा खानदान है। इस बात की हद तक तो मैं तुमसे अग्री करता हूं कि शादी हम पल्ला और बराबर के खानदान में होनी चाहिए। ये छोटे छोटे और गरीब घराने के तबके की लड़कियां होती हैं, ये सिर्फ दौलत और जायदाद देखती है, चाहे बेशक किसी बुढ़े खुसर से शादी क्यों ना हो जाए। मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे करके गुजर ही रही है, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकता। आप भूल रहे हैं, प्रपोज आपने किया था मुझे, मैंने नहीं। मिन्ते आपने की थी, मैंने नहीं। ना आप जैसे शख्स के साथ, आप जैसे तल्ख आदमी के साथ जिंदगी गुजारने का, शादी करने का मुझे कोई शौक नहीं। हमारी शादी एक डील के तहत हुई थी, तुम अट्रैक्ट हुई थी मेरी दौलत और जायदाद देख। वो डील नहीं, मजबूरी थी। मैं बचता रही, ये सोच रही हूँ कि ये कुल्हाड़ी मैंने अपने पाँव पे खुद क्यों मारी। सही कह रही हो तुम, इस वक्त या तो तुम किसी कलर की बीवी होती या फिर किसी परचून फरोश की, और वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताता। शायद वही बेहतर होता। ये घटिया बातें करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? जिस दौलत स्टेटस की आप बात करते हैं ना शाहनवाज साहब, वो अब तक किसने संभाला हुआ है? आपका घर और आपकी जायदाद किसने संभाली हुई है? आपका ऑफिस कौन संभालता है? मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का आपको छोड़कर चला गया होता। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। सब कुछ पर तो कब्जा कर लिया तुमने, मेरी औलाद को मुझसे बदन कर दिया। लेकिन तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया उसके ऊपर कि तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहता है वो? आप ठीक कह रहे हैं, वो मेरा खून नहीं है, शाजिर से मेरा खून का रिश्ता नहीं, सोतेला है वो। लेकिन आप इस हकीकत से कैसे इनकार करेंगे कि रातों को जागी हूँ मैं उसके लिए, पाला है मैंने उसे, उसके मुस्तकबिल की फिक्र की है मैंने, सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत दी है मैंने उसे। इसके पीछे भी तुम्हारा कोई मुफाद होगा। बस कर दे, बस कर दे शाहनवाज, बस कर दे। तंग आ गई मैं, तंग आ गई। कभी किसी नफरत भरी बातों से आपने मुझे तो अपने आप से दूर कर दिया। अब क्या चाहते, हम मेरी जान लेना चाहते? ले ले मेरी जान भी ले ले। एक लम्हा खुशी नहीं मिली मुझे इस सारी जिंदगी में आपसे, एक लम्हा खुशी। खुशी सब कुछ तो तुमने मुझसे ले लिया है, अब मेरे पास है क्या जो मैं तुम्हें दे सकूं? खुशी चाहिए तुम्हें? मेरी जायदाद पे तुम्हारा कब्जा, मेरे सब कुछ तुम्हारे पास तो है। तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतना कुछ होगा। Enough, Dad. Enough. शर्म आ रही है मुझे, इतने सालों के बाद मैं वापस आया हूं और आज भी आपका रवैया इनके साथ वही है। बेटा मैं इसे, मैं अब इनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहूंगा। अगर आपने इनके साथ तमीज से बात ना की तो मैं खुद तो ये घर छोड़ दूंगा, साथ ही साथ इन्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, हम किसी दूसरे घर में रह लेंगे। बेटा तुम इस औरत को जानते ही नहीं हो, ये इंतहाई चालाक मक्कार। मैंने आपसे कहा ना कि मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता हूं, डोंट यू गेट इट? माँ है ये मेरी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, प्लीज डैड इनके साथ तमीज से और आराम से बात कीजिए, क्योंकि अगर अब आपने ऐसा ना किया तो मैं सारी जिंदगी आपकी शक्ल नहीं देखूंगा। मुझे तो उनके इस रवैये की आदत हो गई है, पिछले इतने सालों में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने मुझे ये ताने ना दिए। आखिर वो आपकी हैसियत को लेकर आपको ताने देते ही क्यों? इंसान अपनी हैसियत से नहीं अपने किरदार से बड़ा बनता है, और ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा। उन्हें कम हैसियत लोगों से नफरत है, उनको तो ये भी लगता है कि मैंने उनसे शादी उनकी दौलत की वजह से की थी, जबकि ऐसा नहीं है शासन। मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रही?
मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, और यकीन कीजिए इस घर में मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझता। किस सोच को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन बता आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी बातों की वजह से अपने आप को पुट डाउन मत कीजिए।